जेई में 2000 का ये क्वेश्चन है, 2019 का, सॉरी, एरोमेटिक कंपाउंड्स पर बेस्ड ये क्वेश्चन है कि द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ईच। आप देखें, इन्होंने एक ब्रोमो बेंजीन बनाया है जिसके मेटा पर दो कार्बनों की चेन के बाद एक ब्रोमो, तीन कार्बनों की चेन के बाद एक ब्रोमो लगाया। रिएजेंट का सिक्वेंस क्या है? एक्वस KOH, दूसरा है CrO3 इन एसिडिक मीडियम, तीसरा है H2SO4 हीटिंग। और उन्होंने कहा कि ये चार प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट होगा। जरा हम देखते हैं इस क्वेश्चन को ना। आप देखें, यहाँ पर तो है ब्रोमो और यहाँ पर तीन कार्बनों के बाद एक ब्रोमो फिर लगा हुआ है। क्या होगा अगर एक्वस KOH से रिएक्शन करवाई जाए? तो ये जो है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद बन जाएगा OH, राइट? कोई भी RX अगर एक्वस KOH से रिएक्शन कराओगे तो ROH बन जाता है, जैसा कि ये भी बन जाएगा। इसके बाद इसको अगर आप CrO3 और एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करोगे तो ये प्राइमरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, तीन कार्बनों का एक एसिड बन जाएगा ये ऐसे। अब क्या होगा अगर आपने इसको H2SO4 दिया तो, और हीटिंग कर दी तो H2SO4 से हीटिंग करने पर ये H+ यहाँ प्रोटोनेट होगा। ये देख लो, ये ऐसे प्रोटोनेट होगा तो ये बनेगा ऐसे। देखो, प्रोटोनेशन के बाद ये जो है 1, 2, 3 कार्बनों पर ये OH2+ बन गया और यहाँ पे ब्रोमो लगा हुआ है पहले से, ठीक है ना। OH2+ इज ए गुड लिविंग ग्रुप, इट विल लीव, आफ्टर लीविंग इट बिकम्स CO+। आप देखें, एक कार्बोकेटायन बन जाएगा और इस कार्बोकेटायन पर ये एक तरह का एसाइलियम आयन है और इस कार्बोकेटायन पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी है। देखो, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो बार बार रेजोनेंस देकर खुद की ओर ले जाएगा, इसको O+ बना बना के ले जाएगा, ठीक है ना। और आपको पता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करता है। किस पोजीशन पर अटैक करेगा? जब भी कोई रिंग क्लोजर होता है तो 1, 2 पर होता है। अगर ये पोजीशन नंबर 1 है और ये पोजीशन नंबर 2 है और इसके रिस्पेक्ट में ये भी 2 हो सकती है, तो या तो ये रिंग क्लोजर इस पर होगा या तो इस पर होगा। ये जो पोजीशन है वो इस वाले ब्रोमो के लिए पैरा पोजीशन है और ब्रोमो का इंडक्टिव इफेक्ट होता है -I और इसका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऐसे होता है -I > +M। यानी कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है लेकिन इसका मेजर प्रोडक्ट पैरा पे अटैक करता है। इसका मेजर इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमो बेंजीन में है, अगर इलेक्ट्रोफाइल को आप अटैक करवाओगे तो मेजर अटैक पैरा पर होता है। तो यहाँ अटैक हो जाएगा, देख लो ये वाला अटैक हो जाएगा। मतलब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है लेकिन जब हम शो करते हैं एरो तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है ना। तो हो गया अटैक साहब, हो जाने के बाद ये रिंग क्लोजर हो गई, ये देख लो हो गया रिंग क्लोजर, ठीक है ना। यहाँ ब्रोमो है, यहाँ पर है तीन कार्बनों का एक C डबल बॉन्ड हो जो यहाँ रिंग क्लोज करके बैठ गया और यहाँ प्लस चार्ज हो गया। ये है इसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट। लेकिन कोई भी एरोमेटिक सिस्टम अपनी एरोमेटिसिटी का लॉस करके ज़्यादा देर नहीं रह सकता, तो वो क्या करता है, इस H+ को फायर करवाता है और H+ अपना इलेक्ट्रॉन इसको देकर निकल जाता है। आप देखें, H+ ने पहले H2O निकलवाया था, अब H+ यहाँ से वापस निकल आएगा। तो निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा साहब, ये ब्रोमो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये वापस बन जाएगा और ये तीन कार्बनों का जो 1, 2, 3 कार्बनों का ये जो एसाइल ग्रुप है वो ऐसे लग जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, ये मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। जब ये प्लस बना था तो ये ऑर्थो पर भी अटैक करेगा और पैरा पर भी अटैक करेगा, पैरा मेजर होगा और ऑर्थो माइनर होगा, और इन्होंने मेजर प्रोडक्ट पूछा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ कुल मिलाकर? हमारा आंसर हुआ ऑप्शन B, ठीक है भाई, इसको नोट करें।